आने वाले 21 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, आप लोग शायद जानते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों से विनंती करने आया हूँ कि मुझे आप अपने बहुमत मूल्य वोट को देकर के यहाँ का लोक प्रतिनिधि बनने के लिए मदद करें। पिछले 30-35 सालों में हमने इस शहर को बनाया, आप में से काफी लोग इस बात को शायद जानते होंगे, मगर कभी हमने आकर के शहर में ये बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है कि हमने रास्ता बनाया, वाटर लगाया, गटर बनाया, मीटर लगाया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, राजीव गांधी ब्लड बैंक बनाया, मॉर्ग रूम बनाया, लाइब्रेरी बनाया, स्मशान कब्रस्तान बरियल ग्राउंड बनाया, प्ले ग्राउंड बनाए, गार्डन बनाए, बस चालू कर, एसटीपी बनाया, 9 डब्बे की 12 डब्बे की ट्रेन हमने की, 2 ट्रैक से 4 ट्रैक तक वाली, काशी मीरा भयंदर रोड को चौड़ा बनाया, पीने का पानी जहाँ पे जीरो था वहाँ से लेके 175 ml तक के पानी हमने लगाया लाया बनाया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हमने पूरे शहर में बनाया, लेकिन हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है, हमने इसको अपना काम समझ कर के किया। और ये करने को आपको 35 साल लगे, 5 साल में कुछ नहीं हो पाए, आपका हमारा छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसे भी हमको प्लान करना पड़ता है कि 25वें साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करेगा क्या करेगा, शादी करेंगे तो उसका मकान कहाँ होगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा, हमको भी उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। बच्चा होता है तब हम उसकी इंश्योरेंस निकालते हैं, एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं। तो ये तो पूरा शहर था, आप लोग जब आए हो तब आपके सामने मीरा भयंदर क्या था, सृष्टि ये सेक्टर काफी पुराना है, क्या था ये शहर, आप लोगों के सामने सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तैयार हुआ, स्टेशन बना, स्टेशन का आलिशान रूप बना, रास्ते बड़े बने, पानी की सुविधा हुई, बस की सुविधा हुई, लाइब्रेरीज की सुविधा हुई। और पिछले 5 साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में शहर में खाली बोर्ड लगे, खाली नारे लगे, मुख्यमंत्री जब आए उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटा पानी आपको दे दिया है, आया क्या पानी आपको 24 घंटा, आया है क्या पानी 24 घंटा, और पानी का बिल 2014 तक 7 रुपए का, भी आप 14 रुपए भरते नहीं, भरते क्या सेक्टर वाले आप लोग पैसा भरते नहीं लगता, बिल सृष्टि वाले बिल भी कुछ भरते नहीं है लगता मुझे, इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कुछ, कचरे का टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स आप पे लग गया, एडिशनल टैक्स मालूम है आपको, मालूम है पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती, हिंदुस्तान की हालत क्यों खराब हुई है पता है आपको, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं, कहते हैं दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, हाँ डाइनिंग रूम में लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख के टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ के अपने कमेंट्स जरूर करते हैं, मगर जब वोट देने का टाइम आता है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का आवाज नहीं उठाता। आपके अगर सोसाइटी में 1000 मकान है और बाजू में अगर स्लम्स के अंदर 1000 मकान है तो आपका वोटिंग परसेंटेज 200 होता है और स्लम में रहने वाला 900 वोट करता है, तो क्यों राजनेता कोई आपकी बात सुनेगा, वो उसी की संडास बना देगा, नाली बना देगा, गटर बना देगा, 500 रुपये वोट का भी शायद दे देगा, शराब भी बांटेगा, साड़ी भी 100 रुपये की बांट देगा और उसका वोट लेके राज करेगा, और आपके पास क्या के लिए आएगा, आपको पढ़े लिखे वर्ग को फिर इसीलिए छोड़ देगा कि आप अपना सिर्फ कमेंट, डोंट टेक इट पर्सनल, आई एम टॉकिंग इन जनरल, डोंट टेक इट पर्सनल, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वी आर द बिगेस्ट नेशन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, हम छाती ठोक के बोलते कि हम बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, मगर साथ में ये नहीं बोलते कि लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी हम ही करते हैं, हमारे यहाँ पे 15% और 20% जिस पार्टी को मिल जाती है वो बहुमत से सरकार बना लेती है, 15% और 20% पे, 15-20%, 135 करोड़ का 20% कितना हुआ और 100 करोड़ वोटिंग का 20% कितना हुआ, मतलब 15-20 करोड़ लोगों ने वोट किया तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बनती है, सवाल हम नहीं पूछते। आज आपने ये इंटरेक्शन रखा, बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी हैप्पी, you should have called and probably you must have called all the party candidates, have you? Yes. The only Congress? No, sir. All? आके गए कि आने वाले? आने वाले, it's a good thing,
तो जब आएंगे तो जरूर पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो बताइए, मेरा मैनिफेस्टो किधर है, जरा देना कॉपी। मैनिफेस्टो इज अ प्रॉमिस टू डू द वर्क विच इज पेंडिंग इन द सोसाइटी, इन द एरिया, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो 5 साल पहले जिनको आपने चुन करके दिया है, अगर वो आते हैं तो उसको जरूर पूछिएगा कि आपका मैनिफेस्टो किधर है, और मैनिफेस्टो में जितने काम बताए गए थे वो काम पूरे किए नहीं किए। और मेरा मैनिफेस्टो आप संभाल के रखना, आप मुझे वोट दोगे नहीं दोगे वो आपकी इच्छा है, मगर मैं चुन के आने वाला ये मुझे पक्का यकीन है। और मैं जब अगली बार 5 साल के बाद आऊंगा अपने लिए वोट मांगने के लिए, राजू भाई के लिए नहीं आऊंगा, तो मुझे मेरा मैनिफेस्टो जरूर दिखाना आप, और मेरे से सवाल इस मैनिफेस्टो पे ही पूछना कि आपने रिटर्न डॉक्यूमेंटेड प्रॉमिस दिया था, इसका क्या हुआ। 5 साल पहले बीजेपी के अभी के आमदार ने प्रॉमिस दिया था कि जैसा टोल लगा हम हटा देंगे, हट गया क्या? नहीं हटा। मैंने प्रॉमिस दिया मैं इसे हटाऊंगा, और ये काम करने के लिए मुझे सरकार की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। आज आपके इसी शहर से आपके ये जो ब्रिज बना है, मालूम है आपको ये ब्रिज कैसे बना था? कितनों को पता बताइए, बताइए कैसे बना था अंकल? बना नहीं, बना था वो मेरे को मालूम। कैसे बना था, क्यों बना था, रॉयल कॉलेज कब बना? 89-90 में। शांति नगर वाला वहां से लोगों को नहीं आने देता था, और कलपत्रु वाले यहां से घुसने नहीं देता। आज मैं आपको बताता हूं उसकी लड़ाई मैंने लड़ी, उसकी लड़ाई मैंने लड़ी। कांग्रेस की मंत्रिमंडल था, कांग्रेस की सरकार थी, एमपी शांताराम घोलप थे और यूडी मिनिस्टर रंजीत देशमुख थे नागपुर वाले। उनके पास विषय ले जा करके ये दोनों बिल्डर को टाइट किया, तब जाके ब्रिज हमने बनवाया, वरना कॉलेज के बच्चों को रॉयल कॉलेज जाने के लिए परमिशन नहीं थी, यहां से उनको थैसर से जाना पड़ता था। आप मुझे साल पूछोगे, तारीख बोलोगे, मैं बताऊंगा आपको। मेरी अभी 3 स्पाइन की सर्जरी हुई है पिछले 3 साल में, क्यों हुई मालूम है आपको? यही ब्रिज के मसले के लिए सुबह 7 बजे मैं मीरा रोड से अपनी गाड़ी लेके निकला था, और पूरे हिंदुस्तान में उस दिन ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक थी। मेरे पास लेफ्ट हैंड टोयोटा करोला गाड़ी थी, ब्रांड न्यू और लेफ्ट हैंड थी, और मुझे स्पीडिंग का बहुत शौक। गाड़ी लेके निकला और कांदिवली में पुलिस की गाड़ी आड़ी आ गई और उससे क्रैश हुआ, और 6 रोलर कॉस्टर मेरी गाड़ी की हुई। उस दिन से मुझे ये बैक की प्रॉब्लम हुई, और अब जाकर के मेरी 3 सर्जरी 3 साल में मुझे करनी पड़ी, क्योंकि डिस्क उसी वक्त डैमेज हुई। हमने कभी किसी को बताया नहीं कि मैंने इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ा श्रेय हमने वो किया, ये रास्ता हमने बनाया। तो जो मैं कहता हूं मैं करता हूं, वो पिक्चर का एक डायलॉग माने अक्षय कुमार का, कौन सी पिक्चर थी वो? जो मैं कहता हूं वो करता हूं, जो नहीं कहता हूं तो मैं 100% करता हूं। तो मुझे टोल नाका बनाने हटाने के लिए कोई सरकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएलए आपके पास आएगा कहेगा कि ये कैसा हटाएंगे, सरकार तो हमारी है। तो फिर सवाल वही खड़ा होता है कि मैनिफेस्टो में आपने पिछले बार कहा था तो फिर क्यों नहीं हटा सरकार अगर आपकी थी तो? फिर कहेंगे कि वो तो कांग्रेस ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था। अरे सुप्रीम कोर्ट ने परसों आपको ऑर्डर दिया कि आरे के झाड़ मत काटो, फिर भी आपने काट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट, कि जनता इंपॉर्टेंट है? तो मुझे काम करने के लिए कोई सरकार की जरूरत नहीं है। मैंने जब ये शहर में काम किया तो मैं तो साधारण पार्टी का वर्कर था, यूथ कांग्रेस का, तभी मीरा रोड की आबादी खाली 11,000 थी। सृष्टि तो जस्ट लोगों ने मकान खरीदा था। हमने रेल के आंदोलन किए, 4 बार जेल गया हूं, तब जाके 9 से 12 डब्बे की ट्रेन बनी, 2 ट्रैक से 4 ट्रैक बनी। रैशनिंग की दुकान नहीं थी, गैस की लाइन नहीं थी, गैस की एजेंसी नहीं थी, स्टेशन के ऊपर 5-5 दिन उपोषण पे मैं बैठा हूं। तो हमने ये सब किया लेकिन कहीं पोस्टर और बैनर नहीं लगाया। डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया, पहली बार 91 में नगर सेवक बना, डेवलपमेंट प्लान बना,
शहर में 386 रिजर्वेशंस कराए, स्कूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, एवरीथिंग। अब 25 साल में उसको एग्जीक्यूट किया, तब जाके शहर में आपको ये रॉयल कॉलेज दिखता है, डालमिया स्कूल दिखती है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल दिखता है, उमरा हॉस्पिटल दिखता है, और जो आमदार है उसकी भी स्कूल दिखती है और दुनिया भर की स्कूल दिखती है। क्योंकि एक एंगल था, डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा अपनी बुक में कि अगर दिस नेशन हैज टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन, यू हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सो व्हाइल मेकिंग दिस प्लान ऑफ दिस सिटी, आई प्लान्ड इट इन दिस वे दैट इट शुड बिकम एन एजुकेशनल हब, एंड आई एम प्राउड टू सी दैट दैट नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैव कम अप इन दिस सिटी, नंबर ऑफ स्कूल्स। डू यू नो हाउ मेनी स्कूल्स वी हैव इन दिस सिटी? 100 प्लस, दिस इज आई एम गिविंग अ मिनिमम नंबर। नगर पालिका में हम गए, स्लम्स के लिए हमने स्कूल चालू किया, 5 साल में कोई स्कूल पढ़ी नहीं, स्कूल्स के कोई क्लासरूम पढ़ी नहीं, 7वीं से आगे बढ़ा नहीं। मैं डिप्टी मेयर बना, हमने ओपीडी सेंटर स्टार्ट किए, आज तक वही 12 ओपीडी सेंटर्स चलते। मैं एमएलसी बना, जो हमने डेवलपमेंट प्लान में हॉस्पिटल का प्लान किया था, मैंने इंदिरा गांधी हॹास्पिटल बनाया। एमएलसी बना, 7 डायलिसिस की मशीन मैंने वहां पे लगाई, ब्लड बैंक बनाई, लाइब्रेरी बनाया, 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई। आज उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया, आधे से ज्यादा लाइब्रेरी को म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस बना दिया गया, हॉस्पिटल में कोई जाके देखता नहीं। मैं आज भी भले एमएलए नहीं हूं, एमएलसी नहीं हूं, मगर अपनी नैतिक जवाबदारी समझता हूं और हर हफ्ते चक्कर लगाता हूं। मैं नंबर ऑफ पेशेंट आपको बता सकता हूं, मगर सिटिंग एमएलए नहीं बता सकता। 7 डायलिसिस मशीन पे साल में 3,500 डायलिसिस हो रहे हैं, 40,000 लोगों को ओपीडी की मेडिसिन मिल रही है। आप शायद नहीं जाओगे क्योंकि यू आर फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास, लेकिन हमने इस शहर के अंदर चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर आदमी हो, हर एक के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की। गरीब से गरीब आदमी, गुलाम नबी आजाद मेरे बड़े भाई थे, वो जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो चाइल्ड हेल्थ केयर रिप्रोडक्टिव स्कीम के तहत हमने 2 करोड़ रुपए लाके उस हॉस्पिटल के अंदर मैटरनिटी वार्ड चलाया। 1500 सीजरिंग के केसेस होते हैं, 2500 डिलीवरी के केसेस होते हैं वहां पे। मालूम है क्या आप लोग को? नहीं पता। ब्लड बैंक है पूरे मीरा भाईंदर में, एक ही ब्लड बैंक है, राजीव गांधी ब्लड बैंक, एंड लोवेस्ट कॉस्ट इन एंटायर मुंबई। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट आई हैव मेड इट माई सेल्फ, खून खून एक सेवा का काम है, खून की कीमत नहीं ली जाती। इसके लिए जो एजेंसी को हमने दिया, मैंने खुद में बैठ के उसका कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं वहां पे सत्ता में था, हमने उसको बनाया था। स्मशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड जो मैंने बनाया, मैं कभी आपके पास आया नहीं ये बताने के लिए कि मैंने अपने जाति पर्सनल पैसा, म्युनिसिपैलिटी का नहीं, एमएलसी का नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, 6 करोड़ रुपया लगा के बनाया 2000 के साल में। हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है। हमने इस शहर के अंदर कम्युनल हार्मनी मेंटेन करी, सर्वधर्म समभाव का वातावरण मेंटेन किया, और एक उसकी उच्च मिसाल इसमें कायम करी। पूरे देश के अंदर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। बता दीजिए आपके गांव में, जिस गांव से, जिस राज्य से आप लोग आते हैं, आपको कहीं पर ऐसी मिसाल मिलती है? नहीं मिलती। बताइए, मिलती है कहीं पे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाजू बाजू में कोई दफन भूमि? उसके पीछे का कंसेप्ट क्या था कि अगर हम साथ में जीते हैं तो साथ में मरते भी हैं, ये उसके पीछे का कंसेप्ट था। अब लोग कहते हैं कि साहब आपका नाम निकाल दिया बोर्ड में से, मैं कहता हूं नाम बोर्ड में से निकाल सकता है, लोगों के दिल से कैसे कोई निकाले? 20 साल तक हमने उसको मेंटेन किया, साल का 5 लाख रुपए मैं खर्चा करता रहा। अभी इनका बहुमत आ गया तो इनको लगा कि मुजफ्फर हुसैन को इसके वजह से वोट मिलता है। अरे बेवकूफ, मुजफ्फर हुसैन को वोट उसके काम से मिलता है। मुजफ्फर हुसैन को वोट, वो अंदर बैठे है ना, उसके वजह से मिलता है, उसके वजह से मिलता है, वो ईश्वर के वजह से मिलता है, मेरे कर्म के वजह से मिलता है, मेरे कर्म के वजह से। मैं मुसलमान हूं मगर कभी भेदभाव हमने नहीं किया। कोई शहर में कह नहीं सकता कि आपके 30-35 साल के किरदार में, प्रोफेशन में, आपने कभी किसी को सताया है, परेशान किया है, भ्रष्टाचार किया है, अन्याय किया है। अगर ये शहर में एक व्यक्ति मिल जाए, मैं कल अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। एक व्यक्ति, 5 साल में जिस व्यक्ति ने राज किया, जिस पार्टी ने शहर में राज किया, अन्याय और भ्रष्टाचार की कथा शुरू कर दी। अन्याय और भ्रष्टाचार, चाहे हॉकर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, दुकान वाला हो, इंडस्ट्री वाला हो,
कोई सोसाइटी हो, मकान मालिक हो, स्टेट एजेंसी हो, बिल्डर हो, जमीन मालिक हो, आप कहो उस आदमी को बारे में, आप पूछ लीजिए शहर के अंदर कि अन्याय और अत्याचार के मर्यादा पाप क्रॉस कर दिया गया है। लोक प्रतिनिधि आपकी सेवा के लिए चुनते हैं, ना कि लोगों पे अन्याय और अत्याचार करने के लिए चुनते हैं। और यही वजह है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वरना मैं 3 बार नगर सेवक रह चुका हूं, डिप्यूटी मेयर हो गया हूं, 2 बार MLC रह चुका हूं, राष्ट्रपति का पुरस्कार मुझे मिला सर्वोत्कृष्ट भाषण और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का, 5 साल में, फर्स्ट 5 ईयर्स में मुझे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास से मिला। और ये MLA को क्या मिला है, तो हाईकोर्ट ने कहा इस पर क्रिमिनल केस दाखिल करो, आपके पब्लिक डोमेन में है इलेक्शन कमीशन के, उसमें 22 क्रिमिनल केसेस है, मेरा भी रिकॉर्ड है, जाके देख लीजिए, हमारे परिवार का भी रिकॉर्ड है, मेरी माता भी डिप्यूटी मेयर रही है, मगर कोई कह नहीं सकता कि 1 रुपया कभी किसी को परेशान हुआ है या किसी को तकलीफ दी। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी कभी हमने नहीं वापी, मैं भी डिप्यूटी मेयर था, मेरी मदर भी थी, रिक्शा में जाती थी, आज भी नगर सेविका है मगर रिक्शा में जाती है, घर में भी हमारे 50 गाड़ी खड़ी है। आप जिस गांव में जिस जगह पे आप रहते हो, यहां पर हम बैलगाड़ी से जाया करते थे, स्टेशन के पास हमारा छोटा सा मकान था, दहीसर तक जाना रहता था तो हम बैलगाड़ी में जाते थे। वो दिन वो शहर हमने देखा है, ये शहर हमारा शहर है और इस शहर में रहने वाला हर नागरिक, हर परिवार वो मेरे परिवार का सदस्य है, ये हमारी भावना, और इसके लिए इस वजह से हमने इस शहर की सेवा करी है, हमने उसकी कीमत नहीं लगाई, हमने कभी कीमत नहीं पूछी, हमने कभी आके ये नहीं कहा कि हमने शहर के अंदर कम्युनल हार्मनी बचाई तो यह हमने बहुत बड़ा तीर मारा। हम हिंदुस्तानी है, सर्वधर्म समभाव, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी भरोसा रखते हैं, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज सेक्युलरिज्म, एंड सेक्युलरिज्म इज नॉट ओनली हिंदू एंड मुस्लिम, सेक्युलरिज्म मींस कीपिंग द एंटायर कम्युनिटी टुगेदर, दैट इज सेक्युलरिज्म, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। यू विल हैव टू टेक अ कॉल, व्हाट यू हैव टू डू फॉर द फ्यूचर 5 ईयर्स, यू विल हैव टू चेक अप व्हाट द गाय हैज डन इन लास्ट 5 ईयर्स। आई एम कॉन्टेस्टिंग दिस इलेक्शन ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, he is contesting the election for his own benefits and betterment, to save himself to going to prison. The other person, the independent candidate, is contesting for her ego satisfaction, that she has made that person to lose and she has won the election. But I am contesting in the interest of the society and to fight against corruption and injustice and to provide the rest of the infrastructure which is the need of the hour, which is the need of the society. So here am I. And I look forward that you people will definitely take your call and make a proper decision. I know, मुझे पता है, सेक्टर 5 में नगर सेवक, आजू बाजू के नगर सेवक का इम्पैक्ट, वो आएंगे, आपसे विनंती करेंगे, आप उस धारा में बहोगे, आप विचार कीजिएगा कि ये जो चुनाव है नगर पालिका का नहीं है, ये जो चुनाव है लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव पर्सनैलिटी बेस्ड चुनाव है, कि आपको लोक प्रतिनिधि किसको चुनना है, क्या ऐसा लोक प्रतिनिधि आप चुनोगे कि जिसको अपना ईगो सेटिस्फाई खाली करना है, क्या ऐसा लोक प्रतिनिधि आप चुनना चाहोगे जिसने 5 साल में जो वचननामा दिया वो काम नहीं किया और जिसकी वजह से शहर बदनाम होता है, क्या आपको अच्छा लगता होगा जब आपके रिश्तेदार पहचान वाले दोस्त कोई पूछता होगा अरे आपके MLA के ऊपर एक क्रिमिनल केस हो गया है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है? बुरा लगता है। आपको ये देखना होगा कि 5 साल में किसने क्या किया और शहर का कितना नाम किया या बदनाम किया, और 35 साल में किसने क्या किया और कभी आपके पास आकर के अपना हक नहीं जताया, हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप क्यों शिवसेना को वोट देते हो, आप क्यों BJP को वोट देते हो, आप क्यों हमको वोट नहीं देते, हमने कभी ये नहीं किया कि इलेक्शन का टाइम आया तो पानी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, रास्ते में तकलीफ कर दो, नहीं किया, क्योंकि ये शहर, यहाँ का हर परिवार मेरा परिवार का सदस्य है। हमारा दृष्टिकोण यह है, हम चुनाव लड़ रहे हैं जनता के लिए, समाज के लिए, इस शहर को और बेहतर बनाने के लिए, यह मेरा दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण के माध्यम से आपको सोचना चाहिए कि आपको कौन सा व्यक्तित्व चाहिए जिसने परफॉर्म किया विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट एनी बेनिफिट्स, एंड समबडी हैज नॉट परफॉर्म एंड टेकन अवे ऑल योर बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।